प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योजना भवन में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक का मकसद योजना आयोग का विकल्प तलाशना है। पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए जाने जाने वाले योजना आयोग को समाप्त करने के ऐलान के बाद मोदी सरकार लगातार इसके विकल्प विचार कर रही है। यहां तक कि पीएम मोदी ने सोशल वेबसाइट पर जनता से सुझाव भी मांगे हैं। योजना भवन में 11 बजे होने वाली बैठक में बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जालान, योजना आयोग के पूर्व सदस्य वाई अलग के साथ मौजूदा योजना आयोग के सदस्य भी उपस्थित रह सकते हैं। जम्मू में पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। कुपवाड़ा में पिछले 58 घंटों में 3 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं। कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ हुई मुठभेड़ में लांस नायक धनंजय कुमार आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी में घायल हो गए थे। धनंजय को फौरन अस्पताल में लाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुपवाड़ा में जारी एनकाउंटर में एक और जवान गुलाम अहमद को भी गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल हालात में गुलाम अहमद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारा गली के नजदीक जोईता टॉप इलाके में करीब 8 आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा है। सेना की 2 टुकड़ियों में इलाके की घेराबंदी कर रखी है। सेना की कोशिश है कि आतंकी घेराबंदी से बचकर निकल नहीं सके। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई 13 अखाड़ों की धर्म संसद में शिरडी के साईं पर आखिरकार एक तरफा फैसला ले ही लिया गया। धर्म संसद ने विवादास्पद प्रस्ताव पास करते हुए मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटाने पर मुहर लगा दी। साथ ही धर्म संसद में फैसला लिया गया कि शिरडी के साईं को न भगवान माना जाएगा और न ही संत या गुरु। कहना हम समर्थन करते हैं कि साईं न तो भगवान है, न गुरु है और न संत है। इसलिए एक असत्य चीज को हम आप मान करके, धीरे धीरे मान करके उसको एक भगवान के रूप में ले आए। सोमवार को धर्म संसद में शिरडी के साईं पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा भी हुआ। कुछ साईं भक्त मंच पर आकर अपनी बात रखना चाह रहे थे लेकिन उन्हें जबरन मंच से हटाने का विवाद बढ़ गया। खास बात यह है कि साईं भक्ति के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले स्वामी स्वरूपानंद ने शिरडी साईं संस्थान को धर्म संसद को न्योता भेजा था लेकिन साईं संस्थान की ओर से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। कवर्धा में कल धर्म संसद के आखिरी दिन अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव में राम मंदिर निर्माण के लिए साल भर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लोगों से साल भर में राम मंदिर बनाने की अपील की गई है। नई शराब नीति पर केरल सरकार आज कोची हाई कोर्ट पर अपना रोड मैप सौंपेगी। राज्य सरकार ने अगले 10 साल में केरल में पूर्ण शराबबंदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पर बार मालिकों और राज्य सरकार के बीच खींचतान मची हुई है। बार मालिकों ने केरल सरकार की नई शराब नीति पर हाई कोर्ट से स्टे की गुजारिश की थी लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। बार मालिक अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। केरल में ईसाइयों के अंतिम संस्कार को लेकर 2 चर्चों के बीच विवाद छिड़ गया है। साइरो मालाबार चर्च ने हाल ही में शवों को जलाने की अनुमति जारी की थी लेकिन जाकोबाइट सीरियन चर्च ने साइरो चर्च की अनुमति पर सवाल उठा दिया। जाकोबाइट चर्च के मुताबिक ईसाई धर्म में शवों को दफन करना ही सर्वमान्य तरीका है। दरअसल अंतिम संस्कार का मुद्दा कब्रिस्तान में कम पड़ती जगह के बाद उठा था जिस पर मालाबार चर्च ने शवों को जलाने का विकल्प सुझाया था। फिलहाल दोनों चर्च अपने अपने फैसले पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट आज उद्योगपति रतन टाटा की याचिका पर सुनवाई करेगा। रतन टाटा ने नीरा राधिया की बातचीत से जुड़े टेप सार्वजनिक नहीं किए जाने की मांग की है। टाटा के मुताबिक राधिया उनकी व्यक्तिगत बातचीत का सार्वजनिक होना निजता का हनन है। बिहार विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनावों में लालू और नीतीश का जादू दिखा। लालू, नीतीश और कांग्रेस के महागठबंधन को 6 सीटें हासिल हुई हैं, वहीं बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। जबकि जिन 10 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें से 6 सीटें बीजेपी के पास थी। शूटर तारा सहदेव के आरोपों के बाद पुलिस रकीबुल हसन और रंजीत सिंह को तलाश करने में जुटी है। रकीबुल तो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है लेकिन उसके बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने रकीबुल के 3 घरों को सील किया है जो उसने किराए पर ले रखा था। साथ ही एक घर से 7 गाड़ियां भी बरामद की है। तारा शाहदेव के बयान के बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं रकीबुल सेक्स रैकेट तो नहीं चलाता था। दरअसल तारा ने पुलिस को बताया है कि एक और रकीबुल के कई लड़कियों के साथ संबंध थे तो दूसरी ओर कई रसूखदार लोगों के साथ रिश्ते भी थे।
जो भी 164 में आया है उसके एक एक लाइन को हम लोग जरूर तहकीकात करेंगे, एक एक लाइन को हम लोग, जो भी नाम है, जो भी उसमें सीरीज ऑफ इवेंट है, जो भी उसमें कहा गया है, उन सभी चीज़ों को हम लोग अनुसंधान का हिस्सा बना रहे हैं। 164 का बयान अपने आप में भी अनुसंधान का पार्ट होता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग अनुसंधान में रहे हैं। तारा शाहदेव ने पुलिस को बताया है कि रकीबुल अपनी अय्याशी पर लाखों रुपए खर्च करता था, साथ ही वो आए दिन दूसरे शहरों में आया जाया करता था और उसके पास सूटकेस में भरकर लाखों रुपए आते थे। फोन जो भी करते थे वो बंद कमरे में करते थे, वो मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं होती थी जिससे मैं ये बोल पाऊँ या कुछ भी ऐसा। वो बात, हाँ, बड़े बड़े लोग आते थे उनके घर, आला अधिकारी, अफसर, ये लोग आते थे, पैसे कैश उनके घर में बैग भर भर के आते थे, वो लेके उसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाते थे बाई फ्लाइट और तुरंत वापस आते थे। तारा शाहदेव के आरोपों के बाद लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने कल रांची बंद के दौरान जमकर हंगामा किया, सड़कों पर खूब बवाल हुआ, जिसके बाद रांची पुलिस ने हुड़दंगियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जामा मस्जिद के प्रवक्ता सैयद तारिक बुखारी ने कहा है कि लव जिहाद कुछ नहीं बल्कि संघ और बीजेपी की साजिश है। सैयद तारिक बुखारी का आरोप है कि संघ और बीजेपी लव जिहाद का नाम लेकर हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और आरएसएस की ये साजिश है ताकि जो अभी थोड़े दिन के बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में है और अभी और रियासत में होने हैं, तो उसको सामने रखकर ही ये सब कुछ किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। स्वच्छता और पेयजल पर आयोजित सभी प्रदेशों के राज्य मंत्रियों ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन में गडकरी ने कहा कि ग्रामीण इलाके में शौचालय बनाने के लिए दी जाने वाली 10,000 रुपए की सरकारी सहायता नाकाफी है और इसे व्यवहारिक बनाया जाएगा। भले ही उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती हो रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। मैनपुरी में 13 सितंबर को उपचुनाव भी होना है, जिसमें समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम सिंह के नाती तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहली बार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हेलीकॉप्टर से इलाकों को देखने के बाद वो सीधे वहां पहुंचे जहां उनके अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावितों को इकट्ठा कर रखा था। उत्तर प्रदेश के सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, साथ ही बाढ़ के लिए नेपाल को भी जिम्मेदार ठहराने से नहीं चूके। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है और भारत सरकार को नेपाल सरकार से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि नेपाल हमारा मित्र देश है। जो नेपाल का नुकसान होता है और वहाँ बाढ़ आ जाए तो उसकी सूचना देश को मिले और खासकर उत्तर प्रदेश और आसपास के जो इलाके उनको जानकारी मिलनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से असम में बाढ़ के हालात बदतर होते जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से सूबे के 15 जिले प्रभावित हैं। सबसे खराब हालत धेमाजी जिले की है, जिसका 80% हिस्सा पानी में डूबा है। बाढ़ से करीब 6,00,000 लोग प्रभावित हैं और अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में सूरज की तपिश से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। अगस्त के महीने में ऐसा लग रहा है मानो जून की गर्मी लौट आई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में तापमान सामान्य से 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग का दावा है कि 28 तारीख के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। 28 तारीख के बाद झमाझम बारिश होने की संभावना बन रही है। जैसे मौसम साउथ की तरफ आएगा तो बादल बनने शुरू हो जाएंगे पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और जब 27-28 को वो सर्कुलेशन या एक कम दबाव को क्षेत्र बंगाल खाड़ी में बनेगा, उस समय वेस्टर्न एंड जो मानसून का होगा उसमें थोड़ा ऑसिलेशन होगा और हल्की बारिश या थंडर शावर्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी।
के मुजफ्फरनगर में एक किसान की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। हत्या के बाद गांव वालों ने NH-58 जाम कर दिया। जब पुलिस ने जाम हटाने की कोशिश की तो लोगों ने विरोध किया और पुलिस बल पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ की वजह से कई वाहन आपस में टकरा गए। एक कार में सवार डिप्टी CMO समेत उनके परिवार के कई लोग भी घायल हो गए। मामला बिगड़ता देख पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुस्साए ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ को लेकर पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। दो दिन पहले गांव की लड़कियों के साथ स्कूल से घर लौटते समय छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसके बाद दर्जनों गांव के लोगों ने पंचायत कर ऐलान किया कि जब तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई भी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। पंचायत ने प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आरोपी पकड़े नहीं गए तो महापंचायत की जाएगी। मथुरा पुलिस ने गोकुल बैराज के पास एक खेत में युवती का अर्धनग्न शव बरामद किया। युवती की गला दबाकर हत्या की गई है। युवती की उम्र 30 साल के करीब है। पुलिस को शक है कि युवती का बलात्कार करके हत्या की गई है। युवती के कन्नौज में एक महिला ने एक मनचले की धमकी से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आरोप है कि महिला ने धमकियों की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने महिला की शिकायत को तवज्जो नहीं दिया। पीड़ित महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़ा गया शख्स नेताओं की मिमिक्री करता था और नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को चूना लगाता था। आशंका जताई जा रही है कि अब तक जो जालसाज लोगों को करोड़ों की चपत लगा चुका है। राजस्थान के धौलपुर में एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रही है। पुलिस को लड़की की हत्या की जानकारी उसके पिता ने दी थी। राजस्थान के जोधपुर में खाकी शर्मसार हुई है। आरोप है कि एक सिपाही ने महिला सिपाही को ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण किया है। महिला सिपाही और आरोपी सिपाही दोनों पुलिस लाइन में बने सरकारी क्वार्टर में पास पास ही रहते थे। हरियाणा के रोहतक में छेड़छाड़ से परेशान होकर दो छात्राओं ने खुदकुशी कर ली। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सुसाइड नोट से एक बाइक का नंबर मिला है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी के मैनपुरी में साहूकारों के कर्ज की वजह से एक किसान ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि मृतक किसान धान की फसल सूखने के बाद मानसिक रूप से काफी परेशान था। जानने वाले बताते हैं कि किसान को ये चिंता सताने लगी थी कि आखिर वो साहूकारों का कर्ज कैसे चुकाएगा। परेशान होकर राजेंद्र नाम के किसान ने जहर खा लिया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पार्किंग विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या हो गई। बुजुर्ग बिशन लाल की उम्र 72 साल थी। बिशन लाल का कसूर सिर्फ इतना था कि उनका अपने ही मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ लोग बिशन लाल के घर में घुस आए और मारपीट करने लगे। बिशन लाल के सिर में चोट आई, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन दो दिन बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पांचवें आरोपी की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक लड़के ने अपनी चचेरी बहन को घर की चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया, फिर पब्लिक और पुलिस को देख खुद भी कूद गया। चश्मदीदों के मुताबिक जब वो युवक लड़की को धक्का देकर गिराने में नाकाम रहा तो जबरन चचेरी बहन को गोद में उठाकर नीचे फेंक दिया। फिलहाल दोनों भाई बहन अस्पताल में है और दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों CBSI गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। ये बात तब सामने आई जब रैगिंग के मामले पर प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट दी। गौरतलब है कि सिंधिया स्कूल में बिहार के एक मंत्री के बेटे ने खुदकुशी की कोशिश की थी। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच किया और स्कूल प्रशासन को दोषी ठहराया। अब स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ट्राई सीरीज में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे को 158 रनों से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 350 रन बनाए। मिशेल मार्श ने 108 गेंदों पर 89 रन बनाए, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने महज 50 गेंदों पर 93 रनों की तूफानी पारी खेली। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 152 रनों पर सिमट गई। हैमिल्टन मसाकाजा ने 17 रनों का योगदान दिया।
युवराज सिंह के पिता और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर योगराज सिंह को हरियाणा पुलिस ने पड़ोसी के साथ झगड़े के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक योगराज सिंह ने पंचकुला स्थित निवास पर देर रात हुई पार्टी के बाद पार्किंग को लेकर झगड़ा बढ़ गया। दोनों ओर से हुई एफआईआर के बाद पड़ोसी को भी हिरासत में ले लिया गया।